नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूं जो कि बढ़ते उम्र के साथ लोगों की जो याददाश्त है कमजोर होते जाता है या जो उनकी चिंताएं हैं बढ़ती जाती हैं। तो यदि इस होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही जो उनकी याददाश्त है या बढ़ती हुई चिंताएं हैं वह बिल्कुल ही काबू में या कंट्रोल में रहता है। उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है रोसमारिनस ऑफिसिनेलिस मदर टिक्चर। तो दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पोर्टल पर अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि बढ़ते उम्र के साथ लोगों की जो याददाश्त है कमजोर होते जाता है, कही हुई बात को भी लोग भूल जाते हैं और साथ ही जो चिंता है, बहुत सारे चिंता उनको घेरे रहता है, इसके वजह से वह कमजोर भी होते जाते हैं और भूख भी उनकी जो है मारी जाती है। या वैसे लोग हैं जिनको उम्र में तो नए हैं लेकिन उनका जो याददाश्त है बहुत ही कमजोर है, वैसे लोग भी यदि इस मदर टिक्चर का प्रयोग करते हैं तो उसका भी जो याददाश्त है ठीक ठाक रहता है। साथ ही यदि आपकी जो बाले हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं और बढ़ नहीं पा रहा है या आपके सर में जगह जगह खलवाट पड़ गया है, जगह जगह की जो बाले हैं झड़ चुका है, तो उस स्थिति में भी यदि इस मेडिसिन का आप प्रयोग करते हैं तो बालों को स्वस्थ रखते हुए, बालों को ग्रोथ करते हुए इस खलवाट की स्थिति को भी ठीक करता है और कुछ समय दवा लेते ही वहां पर नए बाल उगना शुरू हो जाता है। साथ ही यदि तंत्रिका संबंधी कोई आपको बीमारी है तो यदि यह दवा का प्रयोग करते हैं तो वह तंत्रिका संबंधी जो बीमारी है वह भी ठीक हो जाता है और जो आपकी तंत्रिका से संबंधित बेचैनी हो, दर्द हो, उन सबको यह मेडिसिन कंट्रोल करता है। या फिर वैसी महिलाएं हैं जो कि उनका समय से मासिक धर्म नहीं आता है या गर्भस्राव हो जाता है और गर्भस्राव होने के साथ ही बहुत काफी तेज दर्द रहता है, बेहोशी हो जाती है, छाती में ऐंठन होता है या फिर जो हाथ हैं बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं या जो नाड़ी है बिल्कुल अनियंत्रित होकर के धड़का करती है या फिर एमेनोरिया की स्थिति हो जाती है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं कि उम्र तो हो जाता है लेकिन उनकी जो मासिक धर्म है अभी तक नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में यदि इस मेडिसिन को रोसमारिनस ऑफिसिनेलिस मदर टिक्चर का प्रयोग करती है तो ये सारी समस्याएं बहुत हद तक संभव बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। या फिर वैसे व्यक्ति जिसको बुखार लगता है, पूरे का पूरा शरीर बिल्कुल ठंडा रहता है लेकिन जो पैर है यह बिल्कुल ही बर्फ की तरह ठंडा रहता है और रोगी को बहुत काफी तेज प्यास लगता है, तो वैसे स्थिति में सारी सिम्टम मिलता है और उस स्थिति में यदि इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो बुखार भी आपका कम हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस मेडिसिन को कौन लोग ले सकते हैं, तो वही लोग ले सकते हैं जिसकी जो याददाश्त है बहुत ही कमजोर है, जिनकी याददाश्त जो है बहुत ही कमजोर है और वह चिंता बहुत काफी करते हैं या फिर जिनकी सर में चक्कर रहता है या सिर दर्द रहता है या ऐसा महसूस होता है कि जो उनका सिर है बहुत ही भारी भारी रहता है, या फिर वैसी महिला ले सकती हैं जिसकी गर्भाशय से
रक्त स्राव भयंकर दर्द के साथ में होता है। जब भी गर्भस्राव होता है तो बहुत काफी तेज दर्द होता है या गर्भपात के लक्षण बिल्कुल ही स्पष्ट नजर आता है या फिर समय से पहले मासिक धर्म चला आता है, तो वैसे स्थिति में यदि इन सब सिम्टमों को ध्यान में रखते हुए इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो ये सारे के सारे सिम्टम जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब हम रोसमारिनस ऑफिसिनेलिस मदर टिक्चर की डोज के बारे में जानते हैं कि जो यह मेडिसिन है इसको कितनी खुराक में कितनी बार लेना है। तो दोस्तों इसकी जो मदर टिक्चर है 5 से 6 बूंद सुबह दोपहर और शाम को सुसुम पानी के साथ में लेना है। सुबह बिना कुछ खाए पिए, दोपहर में भी बिना कुछ खाए पिए और शाम में 6 बजे तक यह जो मेडिसिन है ले लेना है। साथ ही जब हम इस मेडिसिन का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस समय हमें यदि नशा कोई नहीं रहता है या नशा करते हैं तो हम नशे से बिल्कुल परहेज करते हैं तो यह जो मेडिसिन है बिल्कुल ही फायदा बहुत जल्दी में करता है। तो दोस्तों यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी आपको अवश्य ही दूंगा। तो यदि आपको ये सारे सिम्टम नजर आ रहा है तो आप इस मेडिसिन को एक बार प्रयोग अवश्य करें, आप फायदा हो तो मुझे कमेंट भी जरूर करें। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।